पेड़ पौधों का एक परिचय। सामने जो पौधा दिख रहा है बड़े बड़े पत्तों वाला, इस पौधे को बादाम का पेड़ बोलते हैं। इस पौधे के जस्ट पास में एक पौधा दिख रहा है जिसके पत्ते छोटे हैं और थोड़े लंबे लंबे हैं, जिसके ऊपर डायरेक्ट अपना कैमरा गिर रहा है। उस पौधे को जामुन का पौधा बोलते हैं। और बादाम के पौधे के दूसरी तरफ एक पौधा दिख रहा है जिसके पौधे छोटे लंबे हैं, और बादाम जामुन के पौधे से छोटा पौधा है और शायद में भी छोटा है। उस पौधे को अपन सफ़ेदे का पौधा, यूकेलिप्टस पौधा का पौधा बोलते हैं। और यूकेलिप्टस के पास में एक पौधा और दिख रहा है जिसके पास में कपड़े सूखे हुए हैं। उस पौधे को अपन नीम का पौधा बोलते हैं। नीम के पौधे के जस्ट पीछे एक बड़ा पौधा है, उसे अपन आसापाला का पौधा बोलते हैं। पेड़ पौधों का एक परिचय अपन इस तरह से करने जा रहे हैं। आसापाला ये पौधे के साथ में ही अपन एक नारियल का सजावटी पौधा आपको दिख रहा है, लंबे लंबे पत्तों वाला, जो खजूर के पेड़ के सदृश है। उसके बाद में अपन आगे और बढ़ेंगे, कुछ पौधों की जानकारी और देते रहेंगे। एक पौधा आपको और दिख रहा है जिसमें बिल्कुल सफ़ेद पुष्प आए हुए हैं। इस पौधे को चंपे का पौधा बोलते हैं। चंपा का पौधा अलग अलग कलरों में पाया जाता है। यहाँ पर एक सफ़ेद पुष्प का चंपा का पौधा आपको दिखाई जा रहा है, और उसके पास में ही एक दूसरा पौधा आप देखिए, पुष्प वाला, जो गुलाबी पुष्प का पौधा है, वो भी चंपा के पुष्प का ही पौधा है। तो चंपा जिस तरह से अलग अलग इंसान में अलग अलग कलर होते हैं, काला गोरा, उस तरह से पौधों के भी अलग अलग विविध रूप में पुष्प खिलते हैं। ये परमपिता परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद पौधों को और इंसानों को मिला हुआ है।